हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा। स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। हर किसी का बचपन यूं तो काफी अलग होता है और हमारे बचपन के तजुर्बे ही हमें आगे जाकर जिंदगी में काम आते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के बचपन में कुछ ऐसे किस्से होते हैं जो कि उन्हें जिंदगी भर परेशान करते हैं। जहां आमतौर पर ये चीजें छोटी मोटी लड़ाई या फिर बचपन में लगी कोई चोट या कोई हादसा होता है, लेकिन क्या आपने कभी एलियन को किसी के बचपन का हिस्सा बनते हुए देखा है? कुछ ऐसा ही हुआ था दो बहनें ऑड्रे और डेबी के साथ। जी हाँ, यूं तो ऑड्रे और डेबी जुड़वा बहनें थी, लेकिन बचपन से ही ये काफी ज्यादा अलग हुआ करते थे। कहने वाली बात यह है कि एलियंस ने इनके बचपन में काफी ज्यादा बड़ा हिस्सा निभाया है। जी हाँ, दरअसल ऑड्रे का ये कहना है कि जब वो छोटी थी तो एलियन इनसे कांटेक्ट करते थे। उन्होंने कहा कि दरअसल जब ये 5 साल की थी तो एक बार एक बहुत ही ज्यादा जोर से चमकती हुई ब्लू लाइट इनके कमरे में आई और एक दरवाजा खुला जो कि काफी ज्यादा धुंधला सा था। थोड़ी देर बाद उस दरवाजे से दो लोग बाहर आए, जिनमें से एक बहुत ही लंबा था और दूसरा उससे कद में छोटा था। दोनों ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे, दोनों गंजे थे और उनकी बड़ी बड़ी आंखें थी। ऑड्रे और उसकी बहन बचपन से ही उन्हें दो गंजे आदमी कहकर बुलाते थे, लेकिन दरअसल उन्हें ग्रेज कहा जाता है, जो कि एक ऐसी एलियन की जाति है जो कि अपने ग्रे रंग की वजह से जानी जाती है। यही नहीं, इसके बाद उन्होंने कहा कि इनका ये एलियन से रिश्ता काफी समय तक चला, जब कई बार एलियंस के साथ ये लोग कुछ लोगों की किडनैपिंग का भी हिस्सा रहे हैं। इतनी बार ऐसा होता था कि ये कोई काम करते थे, चाहे वो कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम ही क्यों ना हो, और ये जब खिड़की से झांकते थे तो ये अपने घर को आसमान के ऊपर से देख सकते थे। इनका कहना ये भी है कि ये एलियंस दरअसल इनकी सारी मेमोरीज मिटा देते थे, लेकिन क्योंकि इनका एलियन से इतनी ज्यादा बार कॉन्टेक्ट हुआ था जिसकी वजह से इनकी कुछ यादें अभी भी ताजा है। आगे जाकर कार्ड ऑड्रे और डेबी दोनों ने ही एलियंस की एक ग्रुप की शुरुआत की जो कि एलियंस के बारे में सबूत इकट्ठा करता है और दुनिया में इस बात को साबित करने के लिए तैयार है कि एलियंस वाकई में होते हैं। जरा सोचिए, किसी ऐसे बच्चे की कहानी जो कि बचपन से ही एलियंस का साथी रहा है, तो क्या लगता है आपको, क्या क्रिश 4 में हमें कोई ऐसी कहानी देखने को मिल सकती है? ऐसी कहानियां हमें बहुत देखने को मिलती है और इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा था। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, इसी वीडियो के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।